इतने मस्त हो जाओगे जी, दो दो तीन दिन तक अपना पोर्टफोलियो देखने की नहीं आप, क्यों आपके नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात फिर से करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि तीन निगेटिव न्यूज़ है और एक पॉजिटिव न्यूज़। जब ये शेयर थोड़ा नीचे की तरफ गया था, आज रेडता की तरफ ये चला गया था, तो कहीं ना कहीं लगा था कि इसमें जो निगेटिव न्यूज़ है उसका असर इसके अंदर आने लग गया। लेकिन उसके बाद ये इसने फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ छलांग लगाई और फिर थोड़ी सी इसके अंदर ग्रीनता आने लग गई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर निगेटिव न्यूज़ का सिलसिला कहीं ना कहीं बेमतलब के ही बनता सा जा रहा है। कंपनी लॉस कर रही है, काफ़ी लॉस कर रही है, और लॉस करते करते कंपनी आज 17,000 करोड़ की कंपनी बन गई है पिछले 3-4 महीने के अंदर। कंपनी का पहले मार्केट कैप काफ़ी ऊपर था, तो आज घट घट के 17,000 करोड़ इसका मार्केट कैप बन गया है वोडाफोन आइडिया का। इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी जो धड़कने हैं तेजी के साथ बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि जब ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, और जब ये शेयर नीचे की तरफ जाता है तो स्वाभाविक बात है हमें बेकार ही लगेगा, और वो बेकार लगने के चक्कर में हम अपने आधे शेयर या पूरे शेयर ही अपने इसके अंदर से निकालने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हमें मिल जाए भागते हुए उसे हम पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वो जो आपको भागते हुए पकड़ने की जो स्थिति बनाई जाती है वो न्यूज़ के द्वारा ही प्रदर्शित होती है, और वो हमारी माइंड को चेंज कर देती है। इधर एयरटेल ने 21,000 करोड़ का फंड राइज करने का प्लान जो बनाया राइट इशू के थ्रू, और उसके अंदर अच्छी बातें बनाया एयरटेल ने, लेकिन यहाँ वो 21,000 की फंड राइज कर रहा है राइट इशू के तहत, और वहाँ न्यूज़ आ गई कि वोडाफोन के अब दरवाजे और ज़्यादा बंद हो जाएंगे। यानी कि कोई कंपनी 21,000 फंड ला रही है, कर रही है, और उससे वो गिरती हुई कंपनी जो पहले से गिर रही है उसके अंदर एक न्यूज़ और बना दी जाती है कि उनके फंड लाने की वजह से इधर हमारा VI डूब जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो 21,000 जो करोड़ फंड आएगा उससे वो कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जब जिसका लक चलेगा, जिसकी तरफ ध्यान ज़्यादा होगा, और जो नेटवर्क में इतनी बढ़िया स्पीड दे रहा है वोडाफोन आइडिया, जिस दिन चलना शुरू करा तो भाई साहब ये कहाँ पहुँचेगा आपको खुद भी नहीं पता। लेकिन अभी तो निगेटिव जो न्यूज़ होती हैं बनाई जाती हैं, और उसके तहत ही ये शेयरों की जो बढ़ने जो घटने की क्षमता होती है उसके अनुसार ही हमारा शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्या है सर, किसी कंपनी में कोई प्रीपेड प्लान चल रहे हैं 49 वाले या 298 या 398 वाले या अदर कुछ भी, वो अगर VI बंद करती है तो कुछ सोच समझ कर क्या प्लानिंग है उनकी, कि क्या चीज़ ला रहे हैं आगे, तो उसको भी निगेटिव न्यूज़ बना दी जाती है कि इन्होंने अपना प्रीपेड प्लान बंद कर दिए हैं, इससे कंपनी के दरवाजे और कंपनी बंद होने की स्थिति में। भाई कैसी ये न्यूज़ है, किसी कंपनी के अच्छे अच्छे प्लान हैं जो बिल्कुल अनलिमिटेड प्लान दे रही है फैमिली वाले रेडेक्स वाले, जो इनके अच्छे अच्छे प्लान आ चुके हैं और ट्रिपी में इन्हें काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा ना बढ़ाकर वो न्यूज़ कौन सी आ गई है 49 का इन्होंने अपना प्रीपेड प्लान बंद कर दिया, अब इससे कंपनी को नुकसान होगा। इससे कंपनी को नुकसान क्या होगा, इससे तो कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो दूसरे प्लान भी लाएगी, अच्छे अच्छे प्लान लाएगी, और वो अच्छा फंड अपना इकट्ठा इससे करेगी, क्योंकि इनका एकमात्र रास्ता ये भी है कि अगर ये अपनी प्लान की जो रेट है वो बढ़ा दें, इससे भी कंपनी को प्रॉफिट होता है। लेकिन ये भी न्यूज़ नहीं है कि अगर कोई कंपनी अपना प्लान चेंज कर रही है तो उसे कंपनी बंद के अनुसार ही उसकी न्यूज़ दिखाई जाए और हमारा मनोबल फिर से तोड़ा जाए। एक न्यूज़ जो बहुत ही बेहतरीन निकल के आई है कि 5G के लिए भारतीय ऑपरेटर तैयार रहें, और जो 4G में काम कर रहे हैं, जो 4G की सेवाएं दे रहे हैं, वो 5G के आने से और ज़्यादा सेवाएं वो अपने उपयोगकर्ताओं को देंगे, और वो तैयार रहें। और मैं आपको बता दूं
कि इसके अंदर नाम किस किस का है। सबसे पहले नाम है जियो का, एयरटेल का, और अब आप सुन के अगर आपको भी झटका लगेगा कि इसके अंदर वीआई का भी नाम है, जहां वो 49 और फंड राइज के वजह से कंपनी को बंद करने के सपने और न्यूज़ आ रही है, और वहां ये 5G की न्यूज़ आ गई जिसमें वीआई भी परीक्षण भी कर रहा है। सर मतलब कि जियो, एयरटेल, वीआई अलग अलग क्षेत्रों में परीक्षण कर रहे हैं 5G में। तो 5G जब आएगा, जब तक तो ऐसी स्थिति इन शहरों में चलती रहेगी, और 5G के आते ही ये कितनी जल्दी, क्योंकि जब 5G आएगा उसके जो रेट होंगे वो अलग होंगे, और उससे जैसे ही जिसके पास 5G मोबाइल है वो उसमें रिचार्ज करेगा, और एयरटेल, वीआई और जियो सबको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और एक न्यूज़ निकल के ये आ रही थी कि अगर 5G में वोडाफोन आइडिया का नाम नहीं होता तब हम समझ लेते कि ये शेयर बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें अच्छी अच्छी जगहों से जुड़ने की वजह से ही ये शेयर हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर भी एक पैनी शेयर हो चुका है, इसके अंदर उतनी पैसे लगाएं जितने कि आपको डर ना लगे, और पूरी नॉलेज के साथ ही इस मार्केट के अंदर उतरें, क्योंकि जब तक के आप अपने मानसिकता तौर पर सही नहीं होंगे तब तक के कोई भी शेयरों से आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने 2400 में या रिलायंस लिया हो या कोई 1600 में कोई अदर शेयर लिया हो, बड़े शेयर लिए हों, अगर वो नीचे की तरफ आ जाए तो लोग तो उसमें भी लॉस ले लेते हैं। लोग कहते हैं पैनी स्टॉक में लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई सब बड़े शेयरों में भी आप जब एंट्री करते हो तो वो शेयर नीचे आता है उसके अंदर भी आपका लॉस काफ़ी हो जाता है। वो क्यों होता है? वो आपकी जो अंदर की क्षमता होती है उसको वो प्रदर्शित करता है, और उस प्रदर्शित करने की वजह से आपकी माइंड चेंज होता है, और माइंड चेंज ये कहता है कि एक शेयर और नीचे ना चल जाए और आप उसे बेच कर निकल लेते हो। तो इससे पता क्या लगता है कि शेयर है, शेयर तो उतार चढ़ाव करेगा ही, लेकिन अपने आप को मजबूत जो करना है आपको कि आप उतार और चढ़ाव से बिल्कुल भी संयम अपना ना खोएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी शेयर छोटा नहीं होता, कोई भी शेयर बड़ा नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी एंट्री और एग्ज़िट, और आपको प्रॉफिट लेने की जो आपकी क्षमता उसको आपको आना चाहिए। मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करने के बारे में बताया जाता है, और आपके अंदर जो नंबर मिस हो रहे हैं आपके DOB में उसको उसमें लाया जाता है। उसके बाद आपको एक चमत्कार देखेंगे जो आपको शेयर मार्केट में क्या आपके जीवन की लाइफ में भी आपको काफ़ी आगे कर देगा। कभी कभी ये होता है किसी को लोहा नहीं पहनना वो लोहा पहन लेता है, किसी को चांदी नहीं पहननी वो चांदी पहन लेता है, उसको बस एक शौक होता है मैं पहन लूँ। भाई साहब तभी पहनिए जब आपको उन नंबरों का ज्ञान होगा, और तभी वो आपको फल देंगे। इसलिए ये चैनल बनाया गया है एक आपको अच्छा सा ज्ञान देने के लिए और आपको अलग से अच्छा करने के लिए, तभी आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे। उस चैनल पे आइए जिसका नाम है डीप सर्चेस, और अपनी साइकोलॉजी को चेंज कीजिए, और जब आपने चेंज करना सीख लिया तो आप इतने मस्त हो जाओगे जी, दो दो तीन दिन तक अपना पोर्टफोलियो देखने की नहीं आप, क्यों, आपके अंदर संयम आ जाएगा। अभी तो संयम है ही नहीं, बार बार उठा उठा के देखते हो अब, तो उसको आप दूर कीजिए, और न्यूज़ को पढ़ना आ जाएगा आपको, न्यूज़ के इम्पैक्ट पढ़ने आ जाएंगे, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपने नंबर सही करिए, और वो नंबर जो गलत हो रहे हैं, देखो अंबानी भी इसमें काम करते हैं नंबरों में, इनके भी अपने अपने न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं पर्सनल, बड़े बड़े लोगों के होते हैं, अमिताभ बच्चन के होते हैं, सलमान खान के, सबके हैं इनके, ये कुछ पहनते हैं उससे कुछ इनका लक बन जाता है, उसको आपको समझना है। वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई मैं आपके से पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो उस चैनल में आइए, DOB भेजिए अपनी, और आज तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कभी नहीं कहा मैंने आप शेयर मार्केट वाले को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप इस बहम में मत रहें कि मैं ये जो आपको बताता हूँ इससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो सेवा ऊपर से होती है वो मैं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि किसी दुनिया में किसी को भी टेंशन फ्री रहना है, रहेगा और रहेगा ही, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ज़िंदगी एक ही होती है, इसको बदलाव कीजिए, जब तक बदलाव नहीं करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। नमस्कार।